यमुनानगर में 5 महीने के बाद आज स्कूलों में दिखी बच्चों की रौनक। कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। आज से 9वीं क्लास से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला गया है। वहीं कोरोना को देखते हुए स्कूलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। स्कूल खुलने से पहले पूरे प्रांगण और कक्षाओं को भी सैनिटाइज किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी में आज केवल 11 छात्राएं आई। छात्राओं ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन उसमें कई बार समस्या आती है, कभी इंटरनेट की समस्या तो कभी तकनीकी समस्या, उससे पूरे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन अब हम स्कूल में आकर पहले की तरह अपने टीचर से पढ़ पाएंगे और पूरी तरह समझ पाएंगे। कोरोना के चलते स्कूल में आते ही पहले हमारा टेम्परेचर चेक किया गया और कोरोना के जो नियम हैं उसका भी हम पालन कर रहे हैं, ताकि हमारी पढ़ाई भी अब पहले की तरह रेगुलर हो सके। जो भी ऑनलाइन में हमारी दिक्कतें थी, जो हमें वर्ड समझ नहीं आ रहे थे, वो आज मैम से समझ में आ रहे हैं। 5 मंथ्स बाद हम स्कूल में आ रहे हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धो रहे हैं, हमारा टेम्परेचर चेक हो रहा है, और जो भी हमारी दिक्कतें हैं इंग्लिश वर्ड्स में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, वो हम टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि कोविड के नियमों को देखते हुए पूरे स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उन सभी की पालना की जाएगी। सबसे पहले तो रूम्स को सैनिटाइज करवाया, जिन भी रूम में बच्चों ने बैठना था। उसके बाद साबुन का प्रबंध है, सैनिटाइजर का प्रबंध है। हर बच्चे को स्कूल में, विद्यालय में आने से पहले जब गेट से घुसेगा तो सैनिटाइजेशन होगा, टेम्परेचर नोट होएगा थर्मल स्कैनर के द्वारा, और उसका एक बकायदा रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि कौन सा बच्चा आया और उसका कितना टेम्परेचर। आज जो है हमारे पास 9वीं और 11वीं के, 9th और 11th के लगभग 11 बच्चे हमारे पास आए। सुबह आगे थे, 8 बजे से ही आना शुरू हो गए थे। बच्चों में उत्साह है तो, पर 50 से ज़्यादा बच्चों को हम एक टाइम में नहीं बुला सकते। फिलहाल वो क्वेरी, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए आ गए। SOP का तो जैसे बताया आपको कि जैसे बच्चे हैं एक दूसरे से पेन, पेंसिल, कॉपी ये शेयर नहीं करेंगे, मास्क लगाएंगे। अगर बच्चे मास्क नहीं लगा के आएंगे तो हमारे पास भी मास्क पड़े हैं, हम उनको मास्क प्रोवाइड करेंगे। सैनिटाइजेशन हुआ ही है विद्यालय का, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है प्रत्येक बच्चे के लिए। सबसे पहले वो सैनिटाइज करेगा अपने हाथों को, साबुन रखा हुआ है, साबुन से वो हाथ धोएगा। उसके बाद क्लास में भी 6-6 फुट का डिस्टेंस है, उस पर वो बैठेगा।